हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये यूजफुल होंगे हमारे ई डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम के लिए ठीक है और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो जल्दी से जाइए अनुजुंडल डॉट इन पे वहाँ पर जाके बाय कोर्सेज पे क्लिक करिए बाय कोर्सेज़ में ई के कोर्स में जाके जल्दी से इनरोल कर लीजिए सो लेट्स बिगिन तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहा तो क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्काउंटेड मेथड फॉर कैपिटल बजटिंग तो डिस्काउंटिंग मेथड कौन सा होता है डिस्काउंटेड मेथड वो होता है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करे क्या करे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करे सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं कि जो हमारी फ्यूचर में वैल्यू होगी करेंसी की वो क्या होती जाएगी रिड्यूस होती जाएगी मान लीजिए अगर आपके पास हंड्रेड रुपीज़ आज हैं और हंड्रेड रुपीज़ दो साल बाद हैं आफ्टर टू ईयर्स आपके पास हंड्रेड रुपीज़ हैं तो जो टू ईयर्स के बाद जो हंड्रेड रुपीज़ होंगे उसकी वैल्यू कम होगी आज के हंड्रेड रुपीज़ से ये क्या मतलब हुआ ये मतलब हुआ जितना सामान जितना मटेरियल हम आज हंड्रेड रुपीज से खरीद सकते हैं उतना मटेरियल हम दो साल बाद उस हंड्रेड रुपीज से नहीं खरीद सकते देखो पहले क्या होता था गोलगप्पे आते होते थे तो दस रुपए के कितने आ जाते होते थे दस आ जाते होते थे आज दस रुपए के कितने गोलगप्पे रह गए चार रह गए और कई जगह तो सिर्फ दो मिलते हैं तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा दस रुपए का शायद एक गोलगप्पा मिलता हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि हमारी जो फ्यूचर की वैल्यू है मनी की वो रिड्यूस होती रहेगी ठीक है अब इसमें हमारे कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं एक तो डिस्काउंटेड मेथड और एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स वो मेथड्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते जो इससे हमारा ए हो गया ये वाला तो ये डिस्काउंटेड मैथड नहीं है ये नॉट डिस्काउंटेड मैथड है फिर हमारा पे बैक पीरियड हो गया ये भी हमारा क्या था नॉट डिस्काउंटेड मैथड था इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते थे और कौन कौन से मेथड हो गए थे जिसमें हमने डिस्काउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया था हमारा एन हो गया आई हो गया मॉडिफाइड आई आर आई आई आर हो गया तो ये सारे मेथड्स में हम डिस्काउंटेड मेथड में इंक्लूड करते हैं इन्हें और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो आई आर आर मैथड है हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है जो कि हमारा एक डिस्काउंटेड मेथड है ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर तो फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है सबसे पहले तो तो फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पे हमारे दो प्रपोजल्स के या दो एसेट्स के एनपीवी बिल्कुल सेम होते हैं क्या होते हैं हमारे एनपीवी सेम होते हैं वो होता है हमारा फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ टू इज इक्वल तो जहां पे हमारे एनपीवी होते हैं वो होता है हमारा फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ठीक है और हमने याद हो तो डायग्राम बनाया था क्लास में क्या डायग्राम था कि हमारा ये डिस्काउंटेड रेट एनपीवी तो अगर दो प्लान हैं उनके जब हमने एनपीवी और डिस्काउंटेड रेट को प्लॉट करा था जिस पॉइंट पे हमारा सपोज ये दो प्रपोजल है ए और बी जिस पॉइंट पे हमारा दोनों के एनपीवी सेम होते हैं उस डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड रेट रेट पे पे गिवन एनपीवी सेम होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनपीवी ऑफ टू प्लान इज इक्वल ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द टू सिक्योरिटीज इज 12% एंड 16% कैलकुलेट रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ऑफ ये गलत दे रखा ही होगा ऑफ विच फर्स्ट सिक्योरिटी अकाउंट फॉर 40% ऑफ द पोर्टफोलियो तो हमें क्या निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो क्या होता है बहुत सारी सिक्योरिटीज को जब हम क्लब कर देते हैं एक शेयर खरीदने के बजाय बहुत सारे शेयर खरीद उसे पोर्टफोलियो कहते हैं तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलता है हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न निकलता है वेटेड एवरेज लेके किन का हर एक सिक्योरिटी का ठीक है अगर मान लो यहाँ पे दो सिक्योरिटीज है फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट का रिटर्न कितना है ट्वेल्व परसेंट और सेकेंड का रिटर्न कितना है सिक्सटीन परसेंट ये ट्वेल्व और सिक्सटीन क्या है ये इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिटर्न है हमें निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिटर्न मतलब अगर हमने ये दोनों खरीद लिए तो हमारा रिटर्न कितना होगा और हमने कितना कितना पैसा लगाया है हमने फोर्टी परसेंट पैसा लगाया है अपना फोर्टी परसेंट मनी इन्वेस्ट करी है हमने फर्स्ट वाले पे सो द रिमेनिंग अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करी होगी हमने सिक्सटी परसेंट सेकेंड वाले पे तो इनका वेटेड एवरेज निकाल लेंगे वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा ट्वेल्व परसेंट और इस पे अमाउंट इन्वेस्ट हुई है फोर्टी परसेंट सेकेंड वाले पे रिटर्न आ रहा है और इस पे अमाउंट इन्वेस्ट हुई है 60 12 का फोर्टी परसेंट कितना हो जाएगा नाइन पॉइंट सिक्स तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नाइन प्लस थ्री थर्टीन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन पॉइंट फोर तो हमारा रिटर्न कितना आ जाएगा पोर्टफोलियो का 14.4 परसेंट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.4 परसेंट ठीक है चले आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय तो बर्ड इन हैंड जो आर्ग्यूमेंट है वो किसने दी है तो बर्ड इन हैंड हमारी आर्ग्यूमेंट किससे रिलेटेड थी डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे दो स्कूल ऑफ ऑफ थॉट थॉट क्या स्कूल एक पर्सन कहता था एक स्कूल ऑफ थॉट कहता था कि डिविडेंट है डिविडेंट की इंपॉर्टेंस है दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता था डिविडेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो डिविडेंट की जो इंपॉर्टेंस होती थी उसमें हमारे दो मॉडल आ जाते थे ना तो उसमें से एक मॉडल होता था हमारा गॉर्डन मॉडल गॉर्डन क्या कहते थे डिविडेंट जो है एक इन्वेस्टर के लिए क्या है कि इन्वेस्टर को लगता है जो कंपनीज डिविडेंट दे रही हैं वो अच्छी है वो क्यों लगता है उन्हें उन्हें लगता है कि फ्यूचर में जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा शेयर पे उससे बढ़िया है आज डिविडेंड मिल जाए जो फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उससे बढ़िया है आज हमें डिविडेंड मिल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं बर्ड इन एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है मान लीजिए क्या है देखो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मान लो आपने कोई शेयर खरीदा अब उस शेयर की वैल्यू फ्यूचर में रिटर्न दे एज अ कैपिटल एप्रिशिएशन या फिर आज भी तुम्हें डिविडेंड दे हर साल डिविडेंड दे तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स गॉर्डन अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डिविडेंड देंगी कंपनीज वो ज्यादा बेटर है तो उसे हम कहते हैं बर्ड इन हैंड मतलब जो आज डिविडेंड मिल गया वो ज्यादा बेटर है रिटेंशन करने की बजाय ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गॉर्डन मॉडल चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा नंबर तो में कौन-कौन सी होती होती थी हमारी? तो क्या -क्या होती थी हमारी? क्या-क्या कि टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड द सेम फिर जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो लेस होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेंगे कोई टैक्सेस नहीं होंगे और इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन है वो अगर डेट कंपनी इंक्रीज करती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये कुछ हमारी एजम्पन होती थी एनआईए तो कौन कौन सी नहीं है देयर आर नो टैक्सीज तो ये तो एक्म्पन है के का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कॉन्सेंस रिगार्डलेस एट द लेवल ऑफ डेट ये भी एजम्स है कॉस्ट ऑफ डेट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ये गलत है क्यों भैया हमारी एजम्स होती थी एनआई अप्रोच में कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारा लेस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कौन सी नहीं है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर की कॉस्ट ऑफ डेट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्योंकि होती है एनआई अप्रोच में कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ द एनुअल कैश इनफ्लो आर कॉन्स्टेंट पे बैक पीरियड कैन बी कम्प्यूटेड बाय डिडिंग कैश आउटले बाय तो हमें क्या करना है जो पे बैक पीरियड होता है पे बैक पीरियड मतलब कितने टाइम में हमारी मनी रिटर्न हो रही है मान लीजिए कि हमने थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करे और फर्स्ट ईयर में हमें फाइव हंड्रेड रुपीज इनफ्लो आया सेकेंड हंड्रेड में थ्री हंड्रेड रुपीज इन्फ्लो आया थर्ड ईयर में टू हंड्रेड रुपीज इनफ्लो आया फोर्थ ईयर में हंड्रेड रुपीज इन्फ्लो आया तो हमारे जो थाउजेंड इन्वेस्ट हुए हैं वो कितने साल में रिकवर हो गए तो वो थाउजेंड ईयर हमारे तीन साल में रिकवर हो गए है ना ये होता है हमारा पीरियड अब उन्होंने कहा है कि जो हमारा कैश इनफ्लो है कांस्टेंट है मतलब लेट सपोज हमें हर साल 200 सौ रुपए मिल रहा है 200 सो दोसो दो का इनफ्लो आ रहा है ऐसे फिफ्थ ईयर में भी 200 सो सौ का तो पे बैक पीरियड में हम कैसे निकालेंगे देखो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है थाउजेंड रुपीज और एनुअल इनफ्लो कितना आ टू हंड्रेड रुपीज तो इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मतलब फाइव में हमारी अमाउंट रिकवर हो जाएगी तो हमारा पे पीरियड क्या आ जाएगा इधर हमने डिवाइड किससे किया एनुअल कैश इनफ्लो से पे बैक पीरियड समझ आया था पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमने किया क्या हमने डिवाइड कर दिया आउटफ्लो को किससे इनफ्लो से तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनुअल कैश इनफ्लो

तो इसका हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है इसका कि हमें वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस करने वैल्यू ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे हम ईबीआईटी अपॉन में ओवर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट तो ईबीआईटी हमारा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कैपिटलाइजेशन रेट है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट को सॉल्व करूंगा तो फिफ्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी इन टू हंड्रेड तो ये फाइव आ गया ये आ जाएगा ये अमाउंट आ गई हमारे पास टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई हमारे पास टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज वैल्यू ऑफ फर्म में से हमें क्या माइनस करना है वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ डेट कितना है एट्टी थाउजेंड रुपीज एंड तो माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा वन लैख सेवेंटी थाउजेंड तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट तो हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है एक असर्शन और एक रीजनिंग बोली हुई है तो असर्शन में क्या दे रखा है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन and not the profit maximization is a appropriate and operational feasible financial management goal ki jo hamara financial management ka jo main goal hota hai wo hamara hota hai shareholders ki wealth maximization karna na ki profit maximization karna तो ये एक बिल्कुल correct statement है बिल्कुल ठीक बात करी गई है कि जो हमारा financial management का objective होता है और जो decision criteria होता है वो क्या होता है कि जो shareholder होल्डर की है उसे किया जाए। मतलब हम क्या करते हैं टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करते हैं प्रोफिट को, को देखा जाता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करा जाता था तो करेक्ट ऑप्शन क्या था कि भाई हम शेयर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फॉलो करते हैं रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देयर एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजमेंट होती है उसमें प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है तो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा कोई रीजनिंग नहीं है ऊपर वाले का तो क्या करेक्ट सुटेबल ऑप्शन होगा ए एंड आर आर बोथ आर करेक्ट तो ठीक है ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट तो तो ये तो गलत है इज इन इनकरेक्ट ये भी गलत है ए एंड बोथ आर इनकरेक्ट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ए एंड आर आर बोथ करेक्ट अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है हमें ऊपर तो क्वेश्चन में गिवन है कि यह सर्शन रीजनिंग है लेकिन आंसर्स में देखा जाए तो सर्शन रीजनिंग है नहीं ये सिर्फ हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है ठीक है तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है आपके साथ कि ऊपर बोला हो कि सर्शन रीजनिंग है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको रीजनिंग ढूंढनी ढूंढनी है उधर तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट दे रखी थी तो ये हो गया ए एंड आर बोथ आर करेक्ट चले क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एन इन्वेस्टर्स बिलीव दैट दे कैन मेक नॉर्मल रिटर्न बाय स्टडिंग पार शेयर प्राइस मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट एफिशंसी टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इन्वेस्टर बिलीव रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस ऑपरेशनल एफिशिएंसी टेक्निकल एनालिसिस सेमी स्ट्रॉग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी तो देखो जब हाँ एक इन्वेस्टर होता है तो वो दो कैटेगरी लॉन्ग टर्म लेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं जो चार्ट देखते हैं कि के बेसिस पे काम होता है वो हमारा क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि शेयर होल्डर किसी पर्टिकुलर शेयर के पीछे के चार्ट्स को स्टडी करता है वो देखता है कि कब ये ऊपर गया था और कब नीचे गया था फिर अलग-अलग रेशियोज़ -अलग या फिर अलग-अलग हमारे चार्ट्स ड्रॉ करके कंक्लूड करता है कि आने वाले टाइम पे इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी एक एग्जांपल के तौर पे टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है मान लो कोई शेयर ऐसे चल रहा है अप डाउन अप डाउन अप डाउन मान लो यहां पे वो तो अब

टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस होता है हम कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं रेदर देन शेयर प्राइस चेक करते हैं फंडामेंटल क्या कंपनी के पास सफिशेंट कैश फ्लो है नहीं है क्या उसके जो प्रोडक्ट्स है एफिशियंट है नहीं है मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है मैनेजमेंट की वर्किंग कैसे है वो कितना रिटर्न कमा पा रही है उसके पास क्या फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो जब उस बेसिस पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो जनरली लॉन्ग टर्म पर्प के लिए होती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ठीक है और ये सेमी एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या ये तो हमारी वो है थ्योरम्स की लाइक सेमी वगैरह स्ट्रॉन्फिश कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में वो सारी ऑलरेडी शो हो रही है मार्केट प्राइस में तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी टेक्निकल एनालिसिस ठीक है चले लास्ट क्वेश्चन पे तो लास्ट क्वेश्चन एज यूजल होगा क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप हमें कर, कमेंट बॉक्स पे देंगे ठीक है तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सीएपीएम फॉर रिस्क मेजरमेंट हैज गिवन बाय तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको बताना है कि इन चारों में से सीएपीएम मॉडल किसने दिया है तो कमेंट बॉक्स में आपको मैंशन करना है ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून